हाय दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल पीपी टेक एजुकेशन में। आज आपको लाइक नई वीडियो जब देखा हाल ही में अपनी जो 14 दिन तरफ से कुछ के लिए अपडेट रहती है, नोटिस अपडेट रहते हैं। तो आज वीडियो बना दीजिए, आपकी एग्जाम फॉर्म के बारे में वीडियो बना दीजिए। अपनी थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ऐसे ही नहीं अपडेट देखने के लिए आपको 14 दिन की साइट पर आना होगा और नई जो भी अपडेट होगी, नोटिस होगी, रिजल्ट वगैरह जो भी आपके होंगे वो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। जो आपकी ऑफिशियल साइट है, जो भी आपको नोटिस अपडेट होते हैं आप जाके देख सकते हैं। आपको देखने को मिल रहा होगा, आपको न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं और आपके रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। जैसे देखते हैं अभी हाल ही में रिजल्ट आया BBA BLB का, तो ऐसी कुछ रिजल्ट अपडेट हो रहे हैं। जिस बच्चों के रिजल्ट नहीं आ रहे तो उनका भी अपडेट हो रहे हैं, और फिर कुछ जिसने और फिर आप देख रहे हैं सामने, तो आप जो फॉर्म आए हैं एग्जामिशन फॉर्म जो निकले हुए हैं तो BDS और MDS के निकले हुए हैं। तो इसे नोट्स के बारे में कर लेते हैं बात की फुल जानकारी। जो बच्चे MDS BDS करने वाले हैं, उनके मेन एग्जाम सप्लाई जो की होने वाली हैं सप्लीमेंट्री, तो उनके बारे में नोटिस अपडेट हुआ है ये BDS और MDS के बारे में। तो उसकी नोटिस अपडेट खोल लेते हैं, कब से एग्जाम से फॉर्म भरे जाने हैं, कब उनकी डेट है, कौन सी तारीख है, कैसे भरे जाएंगे, कौन से शस्त्र के फॉर्म भरे जाने हैं। तो इसकी नोटिस अपडेट कर दिया है यूनिवर्सिटी ने, तो ओपन कर लेते हैं और किस तरह आपको जानकारी दी जाएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी साइट पर आना होगा और उनके बारे में नोटिस आपको दिखाई देगा। BDS MDS का क्लिक कर लेंगे, क्लिक करने में आपको कैचअप कोड डालना है और यहाँ पर आपका पेज ओपन हो जाएगा। मैंने ओपन खोल रखा है। तो 14 चरण से विद्यालय मेट की तरफ से जो ये अपडेट हुई है, तो MDS बच्चे हैं, BDS बच्चे हैं, उनके एग्जाम फॉर्म भर जाने हैं, तो उनकी डेट अप्लाई होने के लिए इसकी नोटिस जारी कर दिया गया है। तो पढ़ लेते हैं उस नोटिस को, जितने भी दिया गया है नोटिस के बारे में। तो साधारण को सूचित किया जाता है कि जो BDS बच्चे पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के जो 2019-20 के सत्र के बच्चे हैं और 1922 के बच्चे हैं, तो अंतिम सत्र जो 1922 के और 1720 के मुख्य सप्लीमेंट्री की परीक्षा हेतु होनी है, तो BDS के पाठ्यक्रम की प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथ में मुख्य परीक्षा सप्लीमेंट्री परीक्षाओं को हेतु परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय की साइट पर आपको दिखाई जाएगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ साइट वही जिस पर आपको फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें कहने का मतलब ये आपको जो MDS फॉर्म निकलेंगे इस सत्र में निकलेंगे, BDS के 2019-20 के और 1922 के अंतिम वर्ष के 1920 के, और जो BDS के बच्चे हैं प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथ में, तो इस साइट पर आपको ऑनलाइन आवेदन करने की दी जाएगी। तो COVID-19 के चलते हुए ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की प्रक्रिया आपको बताई जाएगी, इस तरह को फॉर्म भरना है। कुछ पॉइंट इसमें दिए गए यूनिवर्सिटी की साइट पे, मैं आपको पहले आपको साइट दिखा देता हूँ। ये आपको दोस्तों साइट दी गई है। जब भी आपके फॉर्म अप्लाई होंगे तो आपको सिंपली क्या करना होगा, फोन से भरना चाहते हैं, अभी आपके लैपटॉप से भरना चाहते हैं, फॉर्म वाले के लिए बता रहा हूँ, सिंपली आपको ये ओपन करना होगा डैशबोर्ड। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर ये सेक्शन नीचे आपको नीचे दिखाई देंगे, 3 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं। राइट साइड में आपको जाना है, 3 पॉइंट आपको जाना है यहाँ पर, आपको डेस्कटॉप साइज बना लेना है फोन में। बनाने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा स्टूडेंट सेक्शन, तो उस पर क्लिक कर लेंगे एडमिशन एडमिशन फॉर्म पर। जब दोस्तों आपके फॉर्म ओपन ऑनलाइन ऑनलाइन हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर शो करेंगे एग्जाम एडमिशन फॉर्म, यहाँ पर खोलेंगे जैसे देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म यहाँ पर शो करने लगेंगे। एग्जाम से फॉर्म निकल गए हैं, BDS MDS और एडमिशन से फॉर्म चल रहे हैं, तो सिंपली यहाँ देख सकते हैं जो अभी आपकी प्रक्रिया होगी आप उसका चेक कर सकते हैं। तो चलते आगे नोटिस पर, कुछ पॉइंट इसमें देखो दोस्तों पढ़ लेते हैं इनके बारे में। सर्वप्रथम जो आपको फॉर्म भर जाने कैसे भर जाना है, CCNET की साइट पे आपको MDS BDS जो एग्जामिनेशन फॉर्म भर जाएंगे वहाँ पर आपको क्लिक करना है, आपको जाके दिखाना है देखना है। और आगे जाकर बता देता हूँ आपको, साइट मैंने आपको दिखाई है, वहाँ पर आपको फॉर्म भर लेना है। सिंपली आपको सेकंड पॉइंट देख लेते हैं, समस्त विद्यार्थी जो परीक्षा फॉर्म भरते समय अपना फोटो हस्ताक्षर साइन यानी कि अनिवार्य है उनका आपको डालना है। विद्यार्थी अपने परीक्षा फॉर्म पर अगर से फोटो ना चिपकाएं और किसी दशा में विद्यार्थी अपने फॉर्म को ध्यान से भरेंगे, क्योंकि केवल फॉर्म एक बार ही भरा जाएगा। तो बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म भरते वक्त, क्योंकि साइड इफेक्ट होती है थोड़ी बहुत। जैसे दोस्तों आपको बता रहा हूँ मैं, जैसे फॉर्म भरते वक्त आपको समय साइड पर ध्यान रखना है, कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि बहुत सी बच्चे फॉर्म में बहुत गलती कर रहे हैं। आप अगर एक बार फॉर्म भरेंगे तो आपकी ये मिस्टेक हो सकती है कि आपकी फॉर्म दोबारा चेंज का ऑप्शन नहीं आता इसमें, तो आपका दोबारा चेंज नहीं होगा। तो कृपया करके फॉर्म को दोबारा से ध्यान से क्लिक करके भरेंगे आराम से। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट आप देख सकते हैं आपका जो दिया गया है कि वार्षिक प्रणाली के अंतर्गत जो आपको सेमेस्टर वाइज दिए गए हैं यहाँ पर, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो इसके अनुसार ये आपको बैक पेपर और विद्यार्थी जो मेन पेपर आपको भरेंगे एक्स भरेंगे, तो वहाँ पे आपको उन्हें अंकित कर सकते हैं, अनुक्रमांक के अनुसार आपको फॉर्म भरना होगा। अंकित जो आप अंक रोल नंबर के अनुसार फॉर्म भर सकते हैं। सबमिट करने से पहले कृपया करके जो फॉर्म को भरेंगे आपको समस्त
ध्यान से जांच लें और परीक्षा फॉर्म में मांगा गया जो पूर्ण विवरण आपको सबमिट करेंगे फॉर्म को। फॉर्म कंप्लीट करने के लिए आपको जो भी डाटा मांगेगा ऑनलाइन, तो बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरना है दोस्तों, कोई गलती ना करें। तो इसके अनुसार आपको फॉर्म अपना चेक करके ही अपना फॉर्म प्रिंट कर लेंगे। मैं हर पॉइंट आपको दोबारा बता रहा हूँ, फॉर्म भरेंगे तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। ये BDS और MDS के जो फॉर्म निकले हुए हैं, बहुत एग्जाम फॉर्म निकले हुए हैं, बैक पेपर आपके पिछले अनुक्रमांक के अनुसार भरा जाएगा फॉर्म। तो इसके करके बहुत ही अच्छे तरीके से फॉर्म अपना भरेंगे, गलती नहीं करेंगे तो आपको सबमिट करने के बाद फॉर्म चेंज नहीं होगा। और फोर्थ नंबर पर आपको जो दे रखा है, ध्यान से देखेंगे से परीक्षा फॉर्म जो शुल्क जमा आपको होगा वो आपको ऑनलाइन होगा, कोई ड्राफ्ट आपको नहीं करना है। जैसे बैंक से आप ड्राफ्ट बना लेते हैं जमा हो जाता पहले, तो ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो कृपया करके आपको ऑनलाइन फीस आप जमा करनी होगी जब आपको फॉर्म को भरेंगे। फॉर्म भरने के बाद पेमेंट जो आप करनी होगी वो आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी। 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर आपको दिया गया परीक्षा फॉर्म, आप जो परीक्षा फॉर्म में वंचित सूचनाएं जो इंटरनेट पर ऑनलाइन भरी जाएगी वो आपको बहुत ध्यान से भरनी है। हर पॉइंट पर आपको यही दिया गया है, कृपया करके वो वंचित में बहुत ही ध्यान से आपको भरना है। 6 नंबर देखते हैं, जो 6 नंबर आपको दिया गया है परीक्षा फॉर्म मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी ऑनलाइन कर सकते हैं जब आपको दिया गया है। दोस्तों जब आप फॉर्म भरेंगे फ़ोन ऑनलाइन करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा। इस साइट पर कुछ आपको यहाँ पर आना होगा। आने के बाद जो साइट आपको दिखाई थी यहाँ पर, ये स्टूडेंट सेक्शन पाएंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आएगा आपको एग्जाम फॉर्म का यहाँ पर दिखाई देगा, MDS BTEC शोरूम आपको यहाँ पर दिखाई देगा। दिखाई देने के बाद सिंपली आपको क्या करना होगा, फोन में आपको डेस्कटॉप साइज बना लेना है, राइट साइड में आपको जाना है, वही आपको परिकर देना है, डेस्कटॉप साइज बना लेना है, पॉइंट कर लेना है। तो आपका इस इंटरफेस ऐसा बन जाएगा आपका लैपटॉप में दिया गया है। सिंपली ऐसे आपको बनाने के बाद सिंपली क्या करना होगा, जो आपको परिकर दिया है आपको सिंपली ऐसी भरनी होगी, फोन के माध्यम से अपना भर सकते हैं। परीक्षा फॉर्म भरने के बाद जो विद्यार्थी को प्रिंट आउट निकाल लेना है तो फोन के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको PDF कह सकते हैं, बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। और कोई प्रश्न समस्या आपको आज तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी इस माध्यम से। दोस्तों इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो आपको 8 नंबर पर दिया गया है, जो महाविद्यालय संस्थान विद्यालय को प्राप्त कराएंगे परीक्षा फॉर्म, यानी कि जब फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो आपको सबमिट करेंगे विद्यालय में संस्थान में, तो इसमें जो आपको निर्देश दिए जाएंगे विद्यालय द्वारा, जो आपको फॉर्म की डिटेल भरी जाएगी के द्वारा, अगर वो आपको गलत पाई जाती है तो विद्यालय से यूनिवर्सिटी द्वारा निरस्त हो सकता है एग्जाम, निरस्त हो सकता है कि आपके कैंसिल भी हो सकता है। तो इसकी जिम्मेदार जो होगी वो महाविद्यालय संस्थान की होगी। तो कृपया करके कोई गलती ना करें, फॉर्म भरने में अगर कोई गलती भी होती है आपको तो कृपया यूनिवर्सिटी को फ़ोन कर सकते हैं, सुधार भी कर सकते हैं, या अपने कॉलेज में द्वारा बता भी सकते हैं, कुछ सुधार करवा सकते हैं। उसको जल्दी जल्दी परीक्षा के लिए आपको सुधार करना होगा अगर परीक्षा फॉर्म आपका गलत होता है। ये तो कुछ आपके बेसिक तरीके जो आपको यहाँ पर बताए गए, जो आपको पॉइंट दिए गए एग्जाम फॉर्म भरने के बारे में। तो यहाँ जा लेते हैं जो एग्जाम परीक्षा फॉर्म जो स्टार्ट फॉर्म होगा दोस्तों, ऑनलाइन जो परीक्षा फॉर्म होगा स्टार्ट होगा वो 25 तारीख में होगा, 25 जून में उसका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और अभ्यर्थी को जो उसकी लास्ट डेट होगी आपकी 6 जून 30 जून होगी, बहुत ही इसमें कम टाइम दिया गया आपको फॉर्म भरने के लिए, आपको 5 दिन का टाइम दिया गया है। क्योंकि डेट सी थोड़ी सी बढ़ भी सकती है, आगे पीछे हो भी सकती है, तो कृपया करके जल्दी 5 दिन में आपको फॉर्म भरना होगा, ये इसके अनुसार अपना क्लियर कर सकते हैं। तो आपको जो उसको समझ नोटिस दिया गया है तो बहुत सारे ध्यान से पढ़ लेंगे, जब आपको दिया गया है इसके पॉइंट आपको समझाए गए हैं। जो समझ सकते आए थे कमेंट बॉक्स में, कोई डाउट हो आपको वीडियो द्वारा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, जो आपको दोस्तों फॉर्म भर जाना है वो आपके 25 जून में फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी लास्ट डेट जो आपकी 30 जून है। तो कृपया करके बहुत ही जल्दी से फॉर्म भरेंगे, सावधानी से भरेंगे, किसी कारण आपकी साइट बिजी होती है तो कृपया करके सुबह के टाइम फॉर्म भर सकते हैं बहुत ही आसानी से, तो फ़ोन के माध्यम से और लैपटॉप फॉर्म से भर भी सकते हैं। परीक्षा फॉर्म जमा करने की स्थिति में आपको 1 तारीख तक फॉर्म जमा करना होगा, कॉलेज में आपके संस्थान में जब कोई जमा होगा फॉर्म। आगे चलते हैं, यहाँ कोई जब कोई दोस्तों पॉइंट बता दिए तो आपको कृपया करके सुनिश्चित कर लेंगे जो अंतिम तिथि है, तो विद्यार्थी कोई आपकी फॉरेंसिक दशा में कोई आपको स्वीकार नहीं किया जाएगा, किसी कारण आपको फॉर्म भरने के बाद लास्ट डेट से बाद में जमा करवाते हैं, यानी कि फॉर्म भरने के बाद 30 तारीख के बाद 1 तारीख में जमा करते हैं या 2 तारीख में जमा करते हैं, तो यूनिवर्सिटी पर स्वीकार नहीं होगा, अंतिम परीक्षा के अनुसार रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो कृपया जो पॉइंट देख रहे हैं दोस्तों, फॉर्म इसके अनुसार भरेंगे, BDS MDS का फॉर्म ये ऑनलाइन हो चुके हैं, 25 तारीख में इसका डेट आ जाएगी, तो इसके अनुसार अपना फॉर्म भरेंगे। किसी पर सबके समस्या आपको दोस्तों आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी साइट में आपको दिखा दी है उस कमेंट बॉक्स आपको कमेंट कर सकते हैं। साइट आपको दोस्तों यहाँ देख सकते हैं, ये आपको साइट ऑफिशियल दी गई है, तो यहीं आपको एग्जाम से फॉर्म भर जाएंगे जो मैंने यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं।
कुछ तो भी आपको वीडियो समझ नहीं आए तो कमेंट करके आप दूसरा बता भी सकते हैं और बैक तो भी जा सकते हैं। पूरी करके आपको तो बता दिया है कि पॉइंट आप दे सकते हैं। इस नोट से लिंक दो डायरेक्टली वो लिंक बॉक्स में मिल जाएगा, प्रैक्टिस पढ़ सकते हैं आपकी जानकारी के लिए। यदि कहीं दोस्तों पसंद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको हेल्प जाएगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसी नई अपडेट देखने के लिए, आपको तुरंत ऐसी नई अपडेट मिलती रहेगी। एक पॉइंट जो दोस्तों आपको समझाएगा फुल तरीके से, आप नोट्स में स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों बताया आपको डाइट लिंक मिल जाए, डाइट पढ़ सकते हैं। इस तरीके से पीडीएस एमडीएस का फॉर्म लेने के लिए एग्जाम फॉर्म ध्यान से भरेंगे, कृपया करके कोई गलती ना करे, कोई गलती आपकी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी वीडियो के माध्यम से। मेरी दी गई जानकारी दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।